मेंटल कैपेसिटी ना होने के ग्राउंड्स हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसे जज को किसी भी पाकिस्तान के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होने का कोई इख्तियार नहीं है और इनको फिलफौर जो है काम से रोक दिया जाए। तो आपके ख्याल में क्या हुकूमत की जानिब से ये बरवक्त और दुरुस्त कदम है, क्या उनकी सही ये जो है परसेप्शन है या परस्पेक्टिव है इस मामले पर? देखिए, मैं लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ नीलम, लेकिन मेरी जो बात हुई चंद लीगल एक्सपर्ट से कि किस तरह इससे सीनियर लेकर जाएंगे, तो उसके अंदर वो ये कहते हैं कि क्योंकि ये जो वर्ड्स थे जो इन्होंने जजमेंट में लिखे, दे आर वेरी क्रूल, तो और वो हमारे जस्टिस सिस्टम का तो हिस्सा है भी नहीं, हमारे यहाँ तो इस तरह की पनिशमेंट नहीं दी जाती क्योंकि ये तो ट्राइबल पनिशमेंट है। तो उन्होंने उसके ऊपर कहा कि वो क्रूअल्टी के ऊपर कि इस किस्म की मैंने जजमेंट जो पेन की है अपने ऑर्डर में, तो इसके ऊपर वो उंगली उठाकर और इस चीज को पॉइंट आउट करके उस पर जा सकते हैं। आई डोंट नो, मेंटली अनफिट वाली चीज तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकती कि अगर इससे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अलाउ करेगी कि नहीं, क्योंकि ये पे एक जरा थोड़ा सा ब्रॉड हो जाती है चीज। बट द थिंग इज कि देखिए, जज साहब ने तो बिल्कुल ये लाइनें तो उठनी ही नहीं चाहिए थी, इनको तो हम जितना भी इन लाइन को बुरा भला और जितना इसको कंडेम करें वो कम होगा, लेकिन बात सिंपल सी वही है, एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत तो खैर चाहती है कि ये केस हो ही ना हो, आपको पता ही है उन्होंने रोकने की कोशिश की, वर्डिक रोकने की कोशिश की, पोस्टपोन करने की, वो एक बार हुआ भी लेकिन बाद में फिर उन्होंने दे दी, तो हुकूमत तो खैर इस केस को ही क्वॉश करना चाहती है ना। तो हुकूमत को चाहिए अपील में, उन्होंने तो ऑलरेडी कह दिया कि अपील में हम साथ होंगे वैसे भी।